अस्सलाम वालेकुम, मैं मसद फातिमा आज आपके लिए देखिए वेजिटेबल्स बिरयानी बना रही हूँ। वेजिटेबल्स बिरयानी बनाने के लिए देखिए हमें चाहिए दही, चावल, तेल, 3 नींबू, पुदीना, धनिया। वेजिटेबल्स में लेंगे देखिए आप आलू, गाजर, टमाटर, फली और बटाने, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इलायची, दालचीनी और शाहजीरा। चलिए, और डालडा घी। अब हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे। देखिए हम तेल डालेंगे इसमें और थोड़ा डालडा घी ऐड करेंगे। ये देखिए तेल में हम 1 चम्मच डालडा घी भी डाल रहे हैं। अभी अच्छे से गर्म होने दीजिए, उसके बाद हम वेजिटेबल्स को इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल और घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। ये देखिए आलू अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए आलू तल के हमने निकाल लिए हैं। अब हम डालेंगे गाजर। गाजर को भी लाइट ब्राउन करिए। ये देखिए गाजर भी लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। गाजर हमने तल के निकाल लिए हैं। अब हम इसमें फली डालेंगे। फली को भी लाइट ब्राउन करिए। ये देखिए फली भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए हमें एक मीडियम साइज प्याज लिए हैं, प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए इसमें थोड़ी प्याज रहने दीजिए, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अदरक लहसुन को अच्छे से ब्राउन करिए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। ये देखिए अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को भी अच्छे से आपने डाल लीजिए इसमें। ये देखिए साथ में डालेंगे हम हल्दी पाउडर, नमक। नमक खाने में भी मिलाना है, इसलिए आप थोड़ा कम मिलाइए इसमें, क्योंकि हम चावल में भी डालेंगे ना। देखिए हम टमाटे और बटानों को फ्राई नहीं करे हैं, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटों को और बटानों। साथ ही साथ इसमें डालिए आप दालचीनी, इलायची, हम 4 इलायची यूज डाले हैं इसमें, और 1/2 चम्मच शाहजीरा, और 1/2 चम्मच शाहजीरा हम चावल में ऐड करेंगे। ये देखिए साथ ही साथ हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, और हम इसमें सारे जो तरकारियाँ तल के निकाले हैं इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए आलू, फली और गाजर हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लीजिए आप। साथ ही साथ हम इसमें टमाटर और बटाने भी डालेंगे। ये देखिए हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे और बटाने भी ऐड करेंगे इस तरीके से। हम जो आलू इसमें मिलाए हैं ये दही के साथ अच्छे से पक के और गल जाएंगे साथ ही साथ। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। हम इसे 10 मिनट के लिए धीमे पे रख देंगे। ये देखिए साथ ही साथ हम जो प्याज फ्राई करके निकाले हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमने जो इसमें वेजिटेबल्स ऐड करे हैं ये अच्छे से अब गलने लगे हैं। इसे अच्छे से सूखने दीजिए, पानी जो हम इसमें दही का है वो अच्छे से सूख जाए, और हम जो तरकारी इसमें ऐड करें वो भी अच्छे से गल जाएगी। जब तक हम ये देखिए हम चावल इस तरीके से एक बर्तन में 20 मिनट के लिए भिगा लिए हैं। साथ में डालिए आप इलायची, ये देखिए दालचीनी, शाहजीरा, हरा धनिया और पुदीना, और साथ में हम डालेंगे नमक। आप नमक बाद में भी स्वाद अनुसार देखकर मिला लीजिए, एकदम नमक मत डाल दीजिए क्योंकि ये खारा हो जाएगा, इसीलिए, क्योंकि हम इसमें भी ऐड करें हैं तरकारी में, इसीलिए। ये देखिए अच्छे से सूखने लगा है पानी जो दही का है इसमें। अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। हम 1.5 नींबू इसमें डालेंगे और 1.5 नींबू चावल में डालेंगे अदहन में। अभी जो अदहन हम चढ़ाए हैं जब हम दम पे बिरयानी रखेंगे, जब हम और 1.5 नींबू इसमें डालेंगे। अभी ये आलू और थोड़ा गलने का है, इसलिए और हम 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रखेंगे।
ये देखिए इसका पानी अच्छे से अब सूख गया है, दही का जो पानी था इसमें अच्छे से सूख गया है, सारे तरकारी जो है अच्छे से गल गई है। देखिए आलू भी अच्छे से गल गया है हर चीज़। देखिए चावल भी एक तरफ पकने लगा है। ये देखिए दही जो इसमें इस्तेमाल हुआ है इसे अच्छे से भुनिए और सूखने दीजिए, उसके बाद ही आप चावल में ऐड करेंगे। अभी अच्छे से भुन गया है, अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम इसमें चावल में ऐड करेंगे इसे। ये देखिए हम चावल का पानी निकाल लिए हैं और इसमें से आधे चावल निकाल लिए हैं। अब ये जो तरकारी है इसमें ऐड करेंगे हम। ये देखिए हमने इस तरीके से सारा तरकारी जो है इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें जो आधा चावल हम निकाले थे वो अब इसमें ऐड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे मीठे गरम, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो डालिए या नहीं तो नहीं। ये देखिए दूध। आप ये बिरयानी बासमती राइस में भी बना सकते हैं। ये देखिए नींबू, नींबू का रस डाल दिया हमने, हरा धनिया और पुदीना। ये देखिए तली हुई प्याज इस तरीके से डालिए आप। अब हम इसमें डालेंगे घी। ये देखिए इस तरीके से आप घी को चारों तरफ से ऐसे डाल दीजिए इस तरीके से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखिए बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे वेजिटेबल्स बिरयानी अब रेडी है। आप इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।